कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। क्या आप भी अपने बढ़ते हुए बिजली के बिल से परेशान हैं? क्या आप चाहते हैं कि बिजली का बिल कुछ कम आए, और कोई ऐसे ट्रिक आप जानना चाहते हैं कि आप इसका इस्तेमाल करके अपने बिजली के बिल में कमी ला सकें? तो फिर देखते ही हमारा वीडियो हमारा इसी बारे में है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे और लोगों में शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग परेशान हैं बढ़ते हुए बिजली के बिल से। तो ठीक है, बात को लंबा न खींचते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे सामने एक सबमीटर रखा हुआ है। ये हेडल का मीटर नहीं है, ये एक सबमीटर है जो कि बाजार में आराम से अवेलेबल रहता है। तो इसके फंक्शन भी वैसे ही रहते हैं जैसे कि हमारे हेडल के मीटर के रहते हैं। तो आपको बताता हूँ इसमें कैसा क्या सिस्टम रहता है। इसमें दो वायर इनपुट के रहते हैं, यानी कि जो हेडल से वायर आते हैं केबल हम इसमें कनेक्ट करते हैं, और दो वायर आउटपुट के रहते हैं जो कि मीटर से निकलकर घर में या हमारी दुकान में कनेक्शन जाता है। और ये जो लोड चलते हैं, इसमें जो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो इसका पूरा मैकेनिज्म होता है, लोड पड़ता है तो ये अपना रीडिंग बताता है। तो आपको इसे स्टार्ट करके बताता हूँ। देखिए, इस पर मैंने इनपुट पर वायर कनेक्ट कर दिया न्यूट्रल फेस। जैसे कि केबल आता है, केबल कस जाता है तो इसमें वोल्टेज करंट आना शुरू हो जाता है। अब इसे ऑन कर देता हूँ करंट देकर। ये देखिए, इसे मैंने एसी करंट दे दिया और ये स्टार्ट हो गया। लेकिन अब ये रीडिंग बिल्कुल नहीं बताएगा क्योंकि इस पर लोड बिल्कुल नहीं पड़ा हुआ है। ये रीडिंग तब बताएगा जब इसके आउटपुट पर लोड चलेगा, और इसके आउटपुट पर भी कोई भी कनेक्शन नहीं है। मैं इसमें मीटर लगाकर आपको दिखाता हूँ वोल्ट मीटर, कि ये बाहर भी करंट निकाल रहा है। ये देखिए, इसका आउटपुट पर मैंने मीटर लगा दिया है तो ये वोल्टेज वो बता रहा है करंट जो ये घर में निकल कर जाएगा, यानी मीटर के थ्रू जो करंट निकलेगा वो ये बता रहा है। ठीक है, ये तक तो हो गया मीटर कनेक्शन। अब बात करते हैं कि हम इस पर रीडिंग कम कैसे करें या फिर बिल में बचत कैसे करें। तो इसके लिए बताता हूँ, इसके लिए हमें चाहिए होगा एक कैपेसिटर। ये देखिए, कैपेसिटर होता है। ये कैपेसिटर हम मीटर की आउटपुट पर लगा देंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि हम मीटर में यहाँ पर ही कनेक्ट कर दें, ये हम घर के अंदर कहीं पर भी लगा सकते हैं। घर में कोई सॉकेट हो मीटर के बाद, मीटर से पहले बिल्कुल नहीं लगाएंगे। मीटर से पहले हमें छेड़खानी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर मीटर से पहले हम कुछ छेड़खानी करते हैं तो फिर ये बिजली चोरी में आ जाएगा। तो मीटर में जो इनपुट कनेक्शन आ रहा है, यानी जो केबल कनेक्ट करते हैं हेडल से वायर आता है, उसे हमें बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी है। मीटर के बाद जो वायर निकल रहा है हम उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कंडेंसर जो है कैपेसिटर, हम मीटर के बाद जो करंट जाएगा घर के अंदर उसमें हम न्यूट्रल ऑफ फेज इसमें कनेक्ट करेंगे। और ये आपको बता देता हूँ कैसे कनेक्ट करना है। जैसे देखिए, ये न्यूट्रल ऑफ फेज आ रहा है तो ये हम इसमें ऐसे लगा देंगे। ये देखिए, इसे न्यूट्रल ऑफ फेज दोनों मिलना चाहिए। ये हम ऐसे लगा देंगे, इस तरीके से इसे हम लगा देंगे। और ऐसा जरूरी नहीं कि हम केवल मीटर पे ही लगाएं, इसे हम किसी भी सॉकेट में लगा सकते हैं जो कि मीटर के थ्रू करंट अंदर जाता है घर में। तो हम किसी सॉकेट में लगा देंगे और इससे हम अपना इंडक्टिव लोड चला सकते हैं। इंडक्टिव लोड में हमारा एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, वाटर कूलर, इस टाइप के आइटम हम चला सकते हैं, जिससे हमारे लोड में काफी फर्क आ जाएगा। और फिर ये बिजली का मीटर जो है हमारा काफी कम रीडिंग बताएगा, और इससे हम बिजली के बिल में काफी बचत कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।